एप्पल ने आईफोन जब इतने अच्छे बना दिए कि वो खराब ही नहीं हो रहे थे, तो ऐसे में एप्पल के सामने सबसे बड़ा सवाल आया कि लोग अब उनके मोबाइल खरीद ही नहीं रहे थे क्योंकि उनके पुराने मोबाइल ही अच्छे चल रहे थे। तो जब ऐसे में पहली बार एप्पल का प्रॉफिट डिप हुआ तो उन्होंने लोगों से उनके पुराने फोन वापस खरीदने शुरू कर दिए। ऐसे में एप्पल ने अपने वो मोबाइल भी खरीद लिए जो बिल्कुल काम करना बंद कर चुके थे। पर आपने भी मोबाइल एक्सचेंज स्कीम में देखा होगा कि कोई भी कंपनी डेड मोबाइल नहीं खरीदती, तो एप्पल ने ऐसे में अपने इन पुराने मोबाइल्स का किया क्या, बेहतरीन जानकारी देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। 2013 में एप्पल ने लोगों को उनके मोबाइल एक्सचेंज करने के लिए एक स्कीम निकाली। जो अच्छी कंडीशन के मोबाइल थे उन्हें इंडिया और अफ्रीका जैसे मार्केट में बेचा गया और जो खराब मोबाइल थे उन्हें रोबोट की मदद से डिसमेंटल किया गया। बैटरी के अंदर से कोबाल्ट और लिथियम निकाला गया, कैमरा के अंदर से गोल्ड और कॉपर निकाला गया और लॉजिक बोर्ड के अंदर से सिल्वर और प्लेटिनम जैसी धातुएं निकाली गई। एक डेड मोबाइल के अंदर से भी काफी कीमती धातुएं निकल रही थी और इसीलिए एप्पल ने अपने खराब मोबाइल भी खरीदे।